नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। राशन डीलरों की पांचवे दिन फिर हड़ताल जारी रही और आपको बता दे, राशन डीलर है वो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आखिर ये हड़ताल पर क्यों हैं, कारण क्या है, ये बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज सिद्धमुख तहसीलदार को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उनका मानदेय है वो बढ़ाकर 30,000 रूपए प्रति माह किया जाए, उनका बकाया कमीशन दिया जाए और वो जब गेहूं वितरित करते हैं उस समय कम ज्यादा गेहूं हो जाता है तो उसमें 2% सीजत दी जाए। उसके साथ साथ ही 12 में इनके एक साथी जो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी अनिश्चितकालीन धरने पर, उसका 50 लाख रुपए मुआवजा सरकार से मांगा है और साथ में ये भी कहा है कि उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए। अगर इन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो यह धरना, ये प्रदर्शन, ये इनकी हड़ताल ये अनिश्चितकालीन तक चलेंगे, यानी कि कभी भी ये खत्म नहीं होंगी। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारी मांगे माने, उसके बाद ही हम फिर से अपने काम पर लौटेंगे। आखिर जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, आखिर जनता कब तक इन राशन डीलरों का इंतजार करती रहेगी, क्योंकि इनकी सरकार से जो मांगे हैं इन्होंने साफ तौर पर रुख दिखा दिया है कि सरकार पहले हमारी बातें हैं, हमारी जो शर्तें हैं, हमारी जो मांगे हैं वो माने, उसके बाद ही हम फिर जनता के बीच जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे।